गाइस आज की ये जो वीडियो है सोलो वर्सेस स्क्वाड और भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड दोनों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भाई मैंने दो दो गेम प्ले एक ही वीडियो में तुम्हारे लिए पेल दिया है, तो यहाँ पर भाई तुम्हें डबल मजा मिलने वाला है। तो भाई इस डबल मजे के लिए यार तुम वीडियो को पूरी देखना। इसी के साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई अजीब अजीब से बंदे तो मिलते ही रहेंगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटे बहनों कैसी हो, स्वागत करता हूँ आज आपका एक और बीजीएमआई के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पर मैं करता हूँ अपनी घसी पीटी से कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसी के साथ साथ एक बहुत ही नकली से एंटरटेनमेंट। तो भाई नीचे उतरता हूँ, फुटस्टेप आते हैं, गन हाथ में आती है, आगे देखो। तो गन तो उठा लिया, बाहर मिलेगा बंदा। अफसोस अब पेटी बनेगी। जैसा कि सुन रहे हो फुटस्टेप आते हैं, आगे की तरफ दो बंदे होते हैं। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब रश करने का सही मौका था, तो यहां से मैं आगे बढ़ा। अब यहां पर रिया सिंह मेरी किल चुराने की कोशिश करेगी। कौन रिया सिंह, अभी देखना। मेरे मुंह के सामने जो बंदा था रिया सिंह ने उसको नॉकआउट कर दिया। लेकिन भाई मैंने इससे पहले कि मेरी किल चोर जाए, मैंने रिया सिंह की पेटी बनाई और उसके बाद भाई उसकी किल भी यहाँ पर टपा ली। उसके बाद यहाँ पर मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। ऊपर से फुटस्टेप आ रहे थे जैसे कि आप यहाँ पर बड़ी देर से सुन भी पा रहे होंगे, और आगे की तरफ दो बंदे दिखते हैं। दोनों ने फैसला कर लिया कि मेरे पास आएंगे। एक गया, दूसरे की बारी। अब यहां पर तुम लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चैनल पर नए हो, और इसी के साथ साथ यहां से आगे बढ़ जाते हैं। और जब अपार्टमेंट की तरफ जाता हूं तो आगे एक बंदर यानी कि एक खिड़की पे बंदा दिखाई देता है। बेफालतू में गोली चलाता हूं, उसके बाद आगे जाकर के इस वाले अपार्टमेंट में आ जाता हूं और इसकी खिड़की पे जाकर के बैठ जाता हूं और देखने लग जाता हूं कि आखिरकार बंदा कहां है, कि इतने में भाई मेरे को फ्री फंड की किल मिलेगी। अब अपार्टमेंट में आता हूं तो पता लगता है कि भाई यहां पर दो पार्टियां पहले से लड़ाई कर रही थी, जिसका नतीजा आपने यहां पर देखा कि भाई नॉकआउट किसी और ने की और किल मैंने टपा ली। खैर यहां पर खिड़की पे एक बंदा भागते हुए दिखता है। अब मैं नेड करने वाला होता हूं कि मैं नेड को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि यार तुम्हें पता है मेरा नेड नकली है, पता नहीं लगे ना लगे। तो इसके बाद मैं सीधा आगे की तरफ खुद ही बढ़ता हूं और यहां पर मेरी दो कौड़े की प्लानिंग होती है कि मैं बॉट की तरह जाऊंगा। अब इस बॉट बंदी के चक्कर में बंदा बाहर निकल जाता है। अब यहां पर मैं बाल बाल बचा और उसके बाद यहां पर आता हूं, थोड़ा बूस्टअप वूस्टअप लगाता हूं और इतने में भाई फुटस्टेप आता है और पीछे जाकर के देखता तो वही बंदा दिखता है। तो यहां पर तो इस भैया की पेटी डाल दी और उसके बाद भाई मैं खिड़की के पास आता हूं और गोली चलने की आवाज आती है। अब यहां पर शायद दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी, तो भाई यहां पर मैंने गोली का आवाज को फॉलो किया और इस वाले अपार्टमेंट में आ जाता हूं। और ऊपर वाले फ्लोर में जाता हूं तो दो बंदे कैंपिंग डाल करके बैठे हुए होते हैं कमरे में। सोचता हूं कि नेड करूं लेकिन होता क्या, चलो देखते हैं। अब यहां पर तुम ही बताओ भाई मेरा नेड नकली है कि नहीं है। भाई बंदा सामने बैठा हुआ था और उसके मुंह के ऊपर नेड फेंका, लेकिन उसके बाद भी नॉकआउट तक नहीं हुआ। भाई पेटी बननी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे तैसे एकेएम से सब कुछ संभाल लिया और उसके बाद भाई दूसरे वाले अपार्टमेंट में जाता हूं और फुटस्टेप आता है और भाई मेरे खिलाफ पूरी प्लानिंग बैठा रखी होती है इन्होंने। अब देखना दूसरा कहां बैठा है, मतलब लेटा है।
फुटस्टेप आता है, मुझे लगता है इनका एक और बंदा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये कोई और बंदा होता है और भाई मेरी एक किल टपा भी लेगा। अब एक किल मुझे मिली नहीं होती है तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि बंदा गया कहाँ, और बंदा शायद नीचे कूद गया होता है। और इतने में गोली चलने की आवाज आती है तो मैं समझ जाता हूँ जो बंदा नीचे गिर गया था भाई उसकी पेटी बना दी नीचे वाले ने, तो मैं गुस्से में नीचे की तरफ जाता हूँ। अब इस बंदे को मेरी किल चुराने का अंजाम भुगतना था। चलो भुगत लिया, इसके बाद यहाँ से आगे जाता हूँ, आगे जाके ड्रॉप लूटता हूँ, ड्रॉप में ग्रोजा मिलती है, बग्गी से जा ही रहा होता हूँ कि गोली चलने की आवाज आती है। अब इतने में बंदा दिखता है, अब यहां से जा ही रहा होता हूं कि सोचता हूं कि एक और बार पीछे मुड़ के देख लू, और इतने में ये महाशय मुझे दिख जाते हैं तो उनकी पेटी बना देते हैं। और उसके बाद यहां से मैं बग्गी को पकड़ के ब्रिज के आसपास के एरिया में रुक जाता हूं। थोड़ी देर बाद ब्रिज पे से गोलियां चलने की आवाज आती है तो मैं बग्गी को पकड़ के सीधा ब्रिज में पहुंचता हूं। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर आने से पहले मैंने अपने पीछे पूरी अच्छे तरीके से चेक कर लिया था, तो भाई आगे वाले बंदे को देखते हैं। बंदा नॉकआउट किया, पीटी बनानी थी बस। लेकिन भाई मैंने कहा था ना मैंने पीछे अच्छे से चेक किया था, और भाई सच में पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ये लपड़ झंडूस पता नहीं कहां से आ गया और इसने सारा रायता फैला दिया। अब मतलब क्या ही बताएं। खैर इसके बाद यहां पर नीचे उतरता हूं और भाई यहां पर लूट करता है, और लूट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हूं। ऑफलाइन बंदा होता है अब जिंदा आएगा, मतलब ऑनलाइन। अब जरा ऑफलाइन वाले की भी पेटी बना लूं। पेटी बनाने के बाद आगे की तरफ जा ही रहा होता तो सीढ़ी पे एक बंदा दिखता आगे की तरफ, और उसको जैसी फायरिंग दे रहा होता कि मुझे भी फायरिंग आती है। क्विक रिएक्शन दिया और यहां पर बच गया। अब तीन नंबर जो है इसकी पेटी बना देता है जिसको मैंने नॉकआउट किया, और अब बारी थी उस सीढ़ी वाले बंदे की जो सीढ़ी पर चढ़ गया था, तो मैं यहां पर खड़ा होता हूं और उसके बाद आगे की तरफ जाता हूं। बाल बाल बचा, और उसके बाद तीन नंबर मुझे यहां पर कवर फायर देता है, तो यह बंदा अंदर की तरफ भाग लेता है। मेरा पूरा फोकस ऊपर वाले बंदे पे था तो मैं ऊपर वाले पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं और ऊपर जाता हूं। यह बंदा गलत डायरेक्शन में फोकस कर रहा होता है, ऐसा आप मत करना। अब दूसरे वाला भी आता है, अभी स्टंट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। खैर यहां पर फुटस्टेप आता है और भाई एक और होता है। अब इसकी प्लानिंग मुझे धप्पा करने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सब की पेटी बन जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये मैं रैंडम मैच खेल रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे अलावा हमारे टीम में एक और यूट्यूबर भैया है तो वो अपना अलग से मैच खेल रहे होते हैं, और ये जो तीन नंबर है ये हमारे कोई फैन होते हैं तो भाई इसलिए हमारे साथ खेल रहे होते हैं। अब यहाँ से गाड़ी से जा ही रहे होते हैं कि दूर एक छोटा सा मच्छर दिखता है। तो इस मच्छर का तो यहाँ पर काम खत्म कर दिया। और उसके बाद जब हम टैक्स सेंटर की तरफ से जा ही रहे होते हैं तो आगे से गाड़ी भागते हुए दिखती है। अब इन दीवारों ने यार काम बिगाड़ दिया, टाइम पर बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। खैर जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। अब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद गाड़ी को बाहर फाइट लेने के लिए कहीं पर रोका होगा, लेकिन भाई ये तो फुल तैयारी में था, गाड़ी को झाड़ी में छुपा दी थी और खुद सांप बन के लेट गए थे। खैर देखो अब सांपों को, चलो एक तो गया अब दूसरे की बारी। अब पहाड़ के दोनों तरफ बंदे होते हैं, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। अब तीन नंबर कहता है कि भाई नीचे की तरफ बंदे, तो मैंने सोचा कि भाई नीचे वाले बंदे तो मैंने लपेट लिया, पर वो ये नहीं बताता कि उसके साइड के नीचे की तरफ।
अब इन सब की किल तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ और इनकी किल मुझे मिल जाती है। इसके बाद रुझौक की पहाड़ी पर जाकर के भाई पेटी को लूट ही रहा होता हूँ कि पेटी को लूटने का नया तरीका देखो भाई। हमारे एक नंबर यूट्यूबर भैया सीधा आसमान से उतरे और पेटी पे हाथ मारे, लेकिन भाई मैं भी समझदार हूँ, मैंने फटाक से ग्रोसा उठा ली। यहाँ पर हमारे को हमारा फैन यानी कि 3 नंबर बता रहा होता है कि उसको आगे की तरफ बंदे दिख रहे हैं। इसका टीममेट इधर नहीं है, ये नहीं है, मैंने बोला इधर नहीं है। इतने में हमारे टीममेट यानी कि यूट्यूबर भैया को M24 का पटका पड़ जाता है और वो नॉकआउट हो जाते हैं। खैर मैं 3 नंबर को कहता हूँ यूट्यूबर भैया को रिवाइव देने, जब तक मैं आगे संभालता हूँ। चलो तुम गाड़ी में बैठो। यूट्यूबर भैया को रिवाइव देकर के आखिरी सलामी दी और बोला अपना ख्याल रखना, बग्गी को पकड़ता और सीधा फाइट लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो इसकी तो पेटी बना दी। अब दूसरा वाला एक और यहाँ पर होता भाई, उसको इतना डैमेज देता हूँ लेकिन उसकी किल हमारे फैन यहाँ पर ले जाते हैं। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, और इसकी पेटी में से मुझे AW मिल जाती है। और इसके बाद भाई जितने में ये सीन हो ही रहा होता है कि हमारी आखिरी सलामी वाले जो यूट्यूबर भैया होते हैं भाई, उनकी पेटी बन जाती है। तो हम सीधा बग्गी को पकड़ते और वापस रोजॉक की पहाड़ी पे पहुंचते हैं। पहाड़ी पर आता ही ये सब दिखता तो भाई यूट्यूबर भैया की पेटी का बदला इन्हीं से लेंगे। अब देखना टिका के मारूंगा। दो बंदे नॉकआउट कर दिए, तो भाई यही मौका था रश करने का, तो सीधा बग्घी पकड़ी आगे निकले। इस स्मोक में एडजस्ट के लिए भाई 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है, तो अभी के अभी कर दो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और भाई लाइक तो सभी करो। और इसके बाद यहाँ पर कैप्सूल मंगा, तो कैप्सूल में भाई वेस्ट फट गई तो वेस्ट को मंगा लेते हैं। और यहाँ पर भाई एक चुम्मी दिखाऊं तुम्हारे को, एक बॉर्ड भैया दिखता तो भाई उनके मत्थे पर चुम्मी देते हैं। देखो चुम्मी, बॉर्ड भैया की चुम्मी शुम्मी लेने के बाद हम रोजॉक के नदी किनारे आ जाते हैं। तो आगे देखो, अब फोकस इसी पे था कि इतने में एक और दिखता है। अब थोड़ी देर में इनके में एक बंदा एकदम चौड़ में खड़ा हो गया, जैसे कि कह रहा हो भाई तेरा निशाना एकदम नकली है भाई, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं गाड़ी ले जाओ। लेकिन यार तुक्के नाम की भी तो एक चीज होती है जो कि ये भूल गया था। अब आगे एक और दिखता वैसे, इसकी पेटी बनाने के बाद भाई पेड़ वाले पे फोकस कर ही रहा होता कि इतने में पता लगता कि भाई मेरे बाजू में भी बंदा है। पीछे से मार रहा है भैया। तो इस पर मैंने कहा जब हम हैं यहाँ तो काहे डर रहे हो यार, मतलब हम यहाँ पर हैं ना तो हम इसको देख लेंगे, तो भाई तुम जब तक नदी पार वालों को संभालो। अब सोचा इसको एक पटका दे दूं और इसका काम यहीं पर खत्म कर दूं, पर ये अहम मौके पर हट गया। फिर मैं अंदर जाता हूँ। तुम्हें भी पता है भाई मेरे नेड और मौली से तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने सोचा भाई पास में ही बंदा खड़ा है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पर इस चक्कर में पेटी बनते बनते बची। खैर यहाँ पर ग्रोजा ने मुझे बचा लिया और इस बार लेवल 3 की वेस्ट ने बचा लिया। खैर मैं ऐसी गलती करता ही क्यों करता हूं मैं, तुम ही बताओ ना। इतने में भाई 3 नंबर ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया और भाई दूसरे वाले की इधर और दूसरे वाले की पेटी मैंने बनाई और कहा कि भाई कोई पूछपाछ करने की जरूरत नहीं है, AWM ने अपना काम यहीं से कर दिया है। तो इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर हो जाता है भाई बिनर बिनर मुर्गी डिनर। तो भाई यहाँ पर आज मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए आवाज थोड़ी अजीब लग रही हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अब वक्त है तुम्हारे कॉमेंट्स को देखने का, तो चलो तुम्हारे कॉमेंट्स को देखते हैं। और भाई जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप जो भी कॉमेंट करते हो तो वो वीडियो के एंड में मैं दिखाता हूँ, तो यार कॉमेंट जरूर किया करो। तो भाई अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, अब मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय। मैं पूछ रहा हूँ ओ भाई। Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.